ऊपर के एरिया में जो हॉन्टेड हाउस भी है। मैडम जाना है क्या हॉन्टेड हाउस में? कभी नहीं। तो चेरिश इतनी हिम्मत दिखा रहा है यहाँ पे हॉन्टेड हाउस में जाने की, खुलते से बाहर चला गया। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल चेरिश। यहाँ पे रेडी हो रहा है जाने के लिए फन ब्लास्ट। आज एक्सप्लोर करेंगे हम लोग फन ब्लास्ट। ये है इसका मेन एंट्रेंस। यहाँ से एंट्री करते से हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पे देखते हैं, फोटोज खिंचवा सकते हैं। वैसे ये फोटो नहीं, ये एक वीडियो है। आप ऐसा भी कुछ यहाँ पे एंट्री करते से ये भी कर सकते हैं। अंदर एंटर करने के बाद में आपको कुछ ऐसा एटमॉस्फेयर दिखेगा, अलग अलग यहाँ पे एडवेंचरस राइड हैं। ये पूरा बाहर का एरिया है जहाँ पे मल्टीपल राइड्स आप लोग कर सकते हैं। एक एक करके सारी डिटेल बताते हैं आपको। सो ये है फन ब्लास्ट का पूरा एरिया, यहाँ पे अलग अलग एक्टिविटीज होती है। सो सवाल ये आता है यहाँ पे राइड्स कौन से, उनके चार्जेस क्या है। तो ये रही उनकी पूरी लिस्ट, आप चाहे तो इस वीडियो को पॉज करके पूरा देख सकते हैं। सारी डिटेल्स यहाँ पे दे रखी हैं, लेकिन ये सिर्फ बाहर के एडवेंचर की है। अंदर का नजारा और आपको दिखाते हैं, तो वीडियो बने रहना। ये है इसका टिकट काउंटर, आप चाहे तो यहाँ से भी टिकट ले सकते हैं। और एग्जाम्पल दिखाते हैं कैसी एडवेंचर राइड्स हैं, ये देखिए। और ये है इसका अंदर का एरिया। अंदर एंटर करने के बाद में काफी सारे गेम्स अंदर भी हैं, लगभग 100 से भी ज्यादा गेम्स आप यहाँ पे खेल सकते हैं। पूरी फैमिली के साथ में आप आके फुल डे एंजॉय कर सकते हैं। ये डांस का है। वैसे इस वाले गेम को देख के आप काफी लोग समझ गए होंगे, जो लोग नहीं समझे हैं उनके लिए थोड़ी सी डिटेल। पूरा पूरा आदमी इसके अंदर जा सकता है और जितने भी गिफ्ट है वो लेके आ सकता है। पूरा पूरा आदमी को इसमें उतारा जाएगा, गिफ्ट लो और बाहर आ जाओ। एंड देखो अभी यहाँ पे किस तरह से निकाल के लाएगा, देखना बहुत सारा निकाल के लाएगा। फॉरेनर अलग ही बच्चा, एंड आई एम श्योर ये बहुत सारा निकाल लेगा। अंदर जाने नहीं दिया गया, उससे पहले ही बाहर निकाल दिया। ट्रैम्पोलिन भी है सबके लिए, बड़ों के लिए। बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर यहाँ पे, इतने सारे गेम्स है। ऊपर भी है फिश कैचिंग। सो अभी फर्स्ट राइड कर रहा है चेरिश, कौन सी वाली? जिप लाइन। जिप लाइन नहीं, स्काई साइकिल। तो चेरिश अभी करने वाला है स्काई लाइन, स्काई साइकिल सॉरी। रेडी है बेटू? चलो जाओ करो माहौल, हम नीचे से वीडियो बना सकते हैं। जिप लाइन बेटू, फिर जिप लाइन कर ले। ये जिप लाइन शिफ्ट हो जाएगा ना ये वाला, ठीक है। चेरिश की हाइट छोटी होने की वजह से उसको जिप लाइन में शिफ्ट कर दिया गया है। उसके बाद आएगा चेरिश का नंबर, क्या अब चेरिश का नंबर आ गया है और स्काई लाइन और जिप लाइन, यार बार बार नाम बोल रहा हूँ। रेडी कैसा रहा एक्सपीरियंस? मजा आया। क्या पूछ रहे थे ऊपर? पूछ रहे थे छोरा या छोकरा, ऐसे करके कुछ पूछ रहे थे। गुजराती में बात कर रहे थे तो मैंने छोरा बोल दिया है, तो मुझे समझ में आ गया था। सो दिस इज ट्विन साइकिलिंग, और ये दो जने एक साथ भी कर सकते हैं आई गेस। और इसका चार्जेस है 100 पर पर्सन। अभी फिलहाल हम लोग जा रहे हैं स्काई साइकिल के लिए। तो मैं जा रहा हूँ स्काई साइकिल करने, कैसा एक्सपीरियंस होने वाला है यहाँ का? यहाँ स्काई साइकिलिंग करने के लिए 10 साल से ऊपर की एज होना जरूरी है और 75 केजी से कम। नीचे वेट चेक होने के बाद ही आपको ऊपर जाने दिया जाएगा। तो पापा साइकिल पे बैठ गए। स्टार्टिंग एक्सपीरियंस में ये था कि जैसे ही गए तब डर लग रहा था कि सीधा नीचे नहीं गिर जाए। स्टार्टिंग के बाद में फिर एक बार चलाने लग जाओ, रोटेशन बनता रहेगा तो मजा आता रहेगा। और क्या हो गया रुद्रा जी, मैं डर रही हूं ऊपर, कोई चला जाओ, कोई जाओ यार, बंद कर दे, मैं इसको बैठने आई हूं। तो रुद्रा जी ओवर एक्टिंग मत कर, जल्दी जा, जल्दी जा, मैं कोई डर नहीं, आप जा दो तो जाओ, चले जा रुद्रा जी, मुझे अपने घर जाना है। तो यहां पे अभी रुद्रा जा रहा है, रुद्रा जी तो डर गए जी। नेक्स्ट परफॉर्मर है ये, और देखो तैयार होके जा रही है। एडवेंचर करने कौन तैयार होके जाता है भाई, तैयार होना जरूरी होता है, उसके बाद ही परफॉर्मेंस अच्छा आता है। बहुत बढ़िया, क्या बात है भाई साहब। चेरिश भी जा रहा है साथ में, दोनों जा रहे हैं, माँ बेटे, फेवरेट चीज है एडवेंचर, खतरों के खिलाड़ी। जहाँ से मर्जी वहाँ से कूद जाना। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा प्लान में चेंज हो गया है, तीन फ्लोर है यहाँ पे, ग्राउंड फर्स्ट और सेकंड। तो इन तीनों में से किसी एक फ्लोर पे जा सकते हैं। कौन से फ्लोर पे जाना है? थर्ड पे, मतलब सेकंड फ्लोर। किस पे?
थर्ड पे 15 अबव, पहले ये साल बढ़ाओ उसके बाद जाओ। दोनों सेकंड पे जाएंगे, मैडम जाएगी लास्ट वाले पे। देखा खतरों खिलाड़ी, सीधा ऊपर वाला फ्लोर चुना है। सभी चेरिश जा रहा है पहले, रेडी चेरिश। सो चेरिश की स्टार्ट हो चुकी है यहाँ पे। अब रुद्रांश जी का डर चालू, चेरिश फूक फूक के रख रहे हैं पे कदम। कमान कमान दोनों कर रहे हो, अच्छा बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत बढ़िया। वैसे बच्चों के लिए एक्टिविटी काफी ज्यादा एंटरटेनिंग रहेगी और इसमें थोड़ा रोडीज वाला फील भी आता है, और इन दोनों बच्चों ने भी इस एक्टिविटी को काफी अच्छे से पूरा किया। हर हर्डल्स को एक के बाद एक पार करके फाइनली इन्होंने इस टास्क को कंप्लीट कर लिया। बहुत बढ़िया, कॉन्फिडेंस लेवल और ज्यादा बढ़ गया। तो अब मैडम जा रही है लेवल 3 के लिए, और मैं बिल्कुल रेडी हूं, ट्राई करूंगी जल्दी करने। अब डरेगी नहीं जे जे, अभी मैं रेडी ना। तो अब रेडी हो ले। और बच्चों के बाद में बारी आई थी मैडम की, जो गई थी सीधा लास्ट फ्लोर पे, जो इसका हाईएस्ट पीक लेवल था। वहाँ पे जाके उन्होंने कंटिन्यू एक के बाद एक सारी हर्डल्स को काफी अच्छे से पार करती गई। आप से तो मम्मा जल्दी कर रही है, और काफी स्पीड में भी किया, लेकिन फिर एक जगह पे। लेकिन फिर उसके बाद में जोश को रिगेन किया और टिपिकल टास्क को बहुत ही इजीली पार करते हुए आखिरकार इन्होंने भी फाइनली इसे बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया। अगर आपने जो भी खाया हो सब मिक्स करना हो, या चाय पी ली हो और मिक्स नहीं किया हो, जैसे बैठ जाना सब मिक्स हो जाएगा। जैसे आमने खिचड़ी खाई, आलू की सब्जी खाई, आइसक्रीम खाई, आमने बर्गर खाया, सब कुछ मिक्स हो जाएगा इसके अंदर। गायरोस्कोप है इसका नाम। अब बाहर की राइड्स तो कर ली बहुत सारी, अब अंदर की राइड्स चेक करते हैं कि अंदर क्या क्या है। अभी हम लोग खेलेंगे हॉर्स रेसिंग, बहुत मजा आएगा। बहुत बढ़िया जी, कमॉन जी, बहुत बढ़िया। कितना डिफरेंस था देखो, बहुत ही भयंकर मार्जिन से आ रहा, रेड येलो भयंकर एक्साइटमेंट लेवल अलग होता है। ऊपर के एरिया में ये हॉन्टेड हाउस भी है, मैडम जाना है क्या हॉन्टेड हाउस में? नीचे का एरिया जो था वहाँ पे ये सब चीजें थी। लेकिन ऊपर के एरिया में भी थोड़ा बहुत गेम जोन है, सामने भी है, उधर कैफेटेरिया है, उधर खाने पीने का है, और उधर है बॉलिंग का, जिसमें फिलहाल वेटिंग चल रही है। तो चेरिश इतनी हिम्मत दिखा रहा है यहाँ पे हॉन्टेड हाउस में जाने की। हॉन्टेड हाउस फाइनली जा रहा है चेरिश, लेट्स सी क्या होने वाला है। ये देखो इसको, गेट पे बाहर हो गया, खुलते से बाहर चला गया। अब चेरिश निकलेगा यहाँ से, लेट्स सी क्या रिएक्शन आएगा चेरिश का। चेरिश चला तो गया जोश जोश में, मुझे पता नहीं कैसा सीन होने वाला है उसका। आवाज आ रही है अंदर से, आ गया यहाँ पे बेटू। अच्छा तस्करी समझ रहे, तो तस्करी निकला नहीं। अभी ये जा रही है, देखते क्या होगा। जा तो खुशी खुशी रही है, आएगी कैसे देखते हैं। जा जी ले अपनी जिंदगी, जा सिमरन जा। ये बाहर से ही एक्साइटेड हो, बहन इसकी गई है ना, इसलिए डर हो रहा है इतना भयंकर। चेरिश यहाँ पे पहले ही खड़ा हो गया, उनको जैसे ही निकलेंगे डराने के लिए। ये क्लाइंबिंग है यहाँ से, इतना चढ़ा जाए जैसे भगवान, जैसे खुद पूछे अबे साले उतरे है कैसे, वही हुआ है, छोड़ दे। चेरिश फाइनली जा रहा है इस वाले में, यहाँ तक इसको पहुँचना है। रेडी, कौन चेरिश?
So, अभी हम लोग अंदर से होके आ गए हैं और काफी ज्यादा मजा आया आज। यहाँ का टिकट बताया था, यहाँ पे टिकट वैसे एंट्री तो बिल्कुल फ्री है, लेकिन अंदर आप कार्ड जो मिलते हैं आपको, आप कार्ड्स ले सकते हैं। 1000 रुपीज का कार्ड है, 1100 रुपए का आपको बैलेंस मिलेगा। हर किसी का अलग अलग प्राइस है। बाद में अगर आपको रिचार्ज कराना है तो बाद में 500 से रिचार्ज आप करा सकते हैं। 500 में 500 रिचार्ज होगा। हमने कुछ प्राइस जीते हैं वैसे यहाँ पे आज। कैसा लगा, मजा आया ना? फुल डे स्पेंड कर सकते हैं आपके ऊपर, जितना टाइम स्पेंड करना हो। फुल आपका वीडियो पसंद आया, वीडियो पसंद आया लाइक करके आना, चैनल पहली बार और सब्सक्राइब जरूर कर देना। आने वाले और भी इस तरह के अमेजिंग वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में कहाँ जाने वाले हैं अभी जल्दी देखेंगे, जल्दी सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।